सकाळ सकाळ ये कहा को नोई न करी चली गले सरचिंग करबा को सरचिंग आज आसंत समस्ते जहा हेले गोटे फैसला हिजबो एपट नपट अरे शाशु माँ को कहा को भी टिके डर नहीं टिके भी कहीं डेंजर भावना कौट जा तुम दीज कौन चली सब ये घरे से थर एम गोटे असुविधा होता बोली सृष्टि राति सारा बाहर रही मुझे क्षमा कर दी थी एथर पुणी से घर माँ इज्जत को मटी में मिसाई देला पुणे राति सारा बाहर माँ कौन है नजा कौन सब याड सड़ कही जा प्रथम शुणी सार सृष्टि खुशी खुशी से रही नाला बर आम भाग्य भल सी बंची जा काली ऑफिस रु फेरला बेले समीर तापरे एसिड फोपाड़िया को जाइथिला किंतु ता भाग्य भल ठीक समय रे शंकर पहुंची ताको बंचाई देछि बट अनफॉर्चूनेटली ता मुंडा फाटी गई आउ ता गोड़ रे एसिड पड़ी ता गोड़ पड़ी जाइछि एचा भी तार होश फेरिनी जीवन मरण भितर से संघर्ष करुचिमा तते निश्चय जीता किसी याडू साडू कही ना तू एमती केबे भी कही न थांदु लो मा ये समीर तो बहुत बेनजर टोका मुझे सापुल बोली भावुली जदि सृष्टि उपरक न पक मो फेस एसीडी थ्रो कर कालीठ सृष्टि किसी खाई मुझे कौन टे हॉस्पिटल को नहीं जी ए ये सृष्टि कौन आज नाइट रे भी डू करिबो ना कौन हाँ तार से रहा निहती दरकार शंकर निज जीवन को खातिर नक सृष्टि जीवन बचाई आमर तो पुणी मणिषपणिया बोली किसी अच्छी शंकर होश फेर पर्यंत सृष्टि से बड़ बो तू जा किसी जलखिया करदेबु आदलवाप कि लुगापटा भी नहीं जीव जा आज्ञा से पु शंकर जे मो झीर जीवन बचला ता विषय न पचारे ना अंत थे तो पचार मो झी केमती अच्छी बोली सीले बहुत खराब समय दे गति करुचे अभी ताकु न देखा को गले ना से केमती अच्छी न पचारे भी नहीं किंतु तुम्हें जदि थे पाखे जाए ठिया ही जाता बहुत साहस मिलता अभी पत्थर मूर्ति को आम ये विश्वास पूजा करूँ
कि से जमती हेले भी आम डाक शुणब कारण मन रोटे विश्वास थाए कि से पत्थर भितर भी गोटे हृदय अच्छी किंतु तम भितर तम भितर तो से ना अभी पत्थर मूर्ति को आम ये विश्वास पूजा करू कि से जमती हेले भी आम डाक शुणब कारण मन रोटे विश्वास थाए कि से पत्थर भितर भी गोटे हृदय अच्छी किंतु तम भितर तो से ना अभी शंकर एबे केमिति अछि? हाँ टिके इम्प्रूव कलानि रेस्पोंड करुछि। सबु से बाबांको कृपा सबु तांकर इच्छा नाही मामसा एपर्यंत विपद जाइनी। डॉक्टर कहले तार एपर्यंत सेन्स आसेनि आ जेपर्यंत सेन्स आसेनि से जें किछि भी कहि हबनि। व्यस्त होना लो बाबा करुणारु सब ठीक ही जीव। अच्छा हो तु आटे खाईदबु कालीठू किछि खाइन न खाई नपी एमती केते बड़े जाए रहिबो? नाही मामसा मत भूक नहीं। देख तो मुहटा भी पूरा सुखी गलानी निज को कष्ट देले तु कौन भाबुछु शंकर जल्दी भलो हो जीव? एक्चुअली मु तम ठाकुर सांगे जिद्दि पकेछि जेपर्यंत शंकर सेन्स आसबनी से पर्यंत मु पानी भी छुईबनी।
तुम्हें बस था तुम्हें टे चा बिस्कुट नहीं आसो थैंक्स पर दिन राति किसी खाइन एमती रही तुम निज देह खराब हो सृष्टि सृष्टि एमा सृष्टि जल्दी डॉक्टर को डाक हाँ डाकुच सृष्टि सृष्टि कौन है ये डॉक्टर हठात फेंट हो गला ठीक है देखो तो लगुच्छे विकनेस आ स्ट्रेस एमती हो गला हाँ कालीठू से किसी खाई ना पानी टोपे भी पी ना तो इमिडिएटली सालन देवा पड़ो सिस्टर सिस्टर पेशेंट को काजल को नहीं चलो पेशेंट रु सेन्स फेरी आसान सार 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 माँ सृष्टि कालीठू किछि खाइनी बाहर खाइबा खाइले देह खराब हो भाबुची ए टिफिनटा अंशु हाट रे पठाइदेवि हुए तो यूर कि अल्प खाई पारे शीघ्र पठा जदि पठाऊ
ଆଜିକାଲି ନ ଖାଇବା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେସନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅଂଶୁଗୁଡ଼ାକ ସେ ନେଇଯିବ। ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଲା କିରା? ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭିକିର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ସୃଷ୍ଟି ୱିକ୍ନେସ୍ ଯୋଗୁଁ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ତାକୁ କେବିନ୍କୁ ନେଇସାରିଲେଣି। ଭାଉଜ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ। ଚାଲ ବେକି, ସୃଷ୍ଟି କିଛି ହେଇନି ତ ତାର? ସେଦିନ ସମୀରକୁ ମୁଁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଠେଲି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତମକୁ ସୃଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଭାଇ ତମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତମେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛ ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି, ତାଙ୍କଠି ଏସିଡ଼ ପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ 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 ପୁଣି କ'ଣ? ତମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୃଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଏତେ ଜିଦିଆ ଝିଅ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବି ଦେଖିନି। ଆରେ ଭାଇର ଦେହ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ କିଛି ଖିଆପିଆ ନକଲେ? କେତେ ବୁଝେଇଲି କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ସେ ଗୋଟେ ଜିଦି। ଶଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋସ୍ ନ ଆସିଛି ମୁଁ ପାଣି ବି ଛୁଇଁବିନି। ଆଉ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ନିଜେ ବେହୋସ ହେଇଗଲି। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ ସୃଷ୍ଟି? ସୃଷ୍ଟି ଏବେ କେଉଁଠି? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ଭାଇ, ସିଏ ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ସେ ବେହୋସ ହେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି କରେଇ ଦେଇଛୁ। କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତ, ସାଲାଇନ୍ ନେଲା ପରେ ଏବେ ପୁରା ଫିଟ୍। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ମଝିରେ ଆସି ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଯାଇଥିଲି, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବରୁ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରିପ୍ରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସୃଷ୍ଟିର କିଛି ହବନି, ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ନମସ୍କାର।